फागुन है सखी फगुआ के महीना है सो सखी रंग दावे है सब सखी खेले रामा अपनो बलम संग हमरो बलम परदेस है। फ्रेंड्स होली आ गई है और होली के उपलक्ष्य पे मैं आपको चलिए बताती हूँ कि दही बड़े सॉफ्ट वाले कैसे बनाए जाते हैं। तो चलिए बनाते हैं। दही बड़े बनाने के लिए मैंने आधा किलो उड़द का दाल रात में ही भिगोने के लिए दे दिया था और ये देखिए पूरे अच्छे से भीग गए थे और मैंने उसको पीस लिया है। बैटर को हम लोग दरदरा ही पीसेंगे। फिर पीसने के बाद मैंने थोड़े देर के लिए बैटर को छोड़ दिया और उसको फेंट लिया। फेंटने के बाद तेल गर्म करने के लिए दिया और तेल में छोटे छोटे बड़े बना लिए ऐसे। मैंने बैटर में कुछ भी नहीं डाला है फ्रेंड्स। कुछ लोग इसमें नमक भी डालते हैं पर मैंने कुछ नहीं डाला, ना नमक डाला है ना बेकिंग पाउडर और सोडा डाला है, क्योंकि मैंने दाल का जो बैटर है उसको बहुत ही अच्छे ढंग से फेंटा था। तो देखिए बड़े लगभग रेडी हो चुके हैं। बड़े रेडी होने के बाद मैं उसको गर्म पानी में डालूंगी। गर्म पानी में डालने से बड़े और भी सॉफ्ट निकलते हैं। फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं ज़्यादा कुछ एडिटिंग अपने वीडियोस में नहीं करती हूँ, जैसे मैं बना रही हूँ वैसे ही मैं दिखा रही हूँ। और मेरे पास ना ही कोई ऐसा साधन है कि मैं कैमरे बहुत अच्छे कैमरे में मैं अपने वीडियोज़ को ये करूँगी रिकॉर्ड करूँगी। हाथ से ही मोबाइल को पकड़ती हूँ और फिर वीडियो बनाती हूँ। ये देखिए बड़े रेडी हो गए थे, मैंने गर्म पानी में उसको डाल दिया है। बड़े फूल कर एकदम बड़े बड़े गुब्बारे जैसे हो गए हैं और अब हम लोग दही वड़ा का प्लेट को सजाएंगे। तो देखिए कितना सॉफ्ट है वड़ा। मैं इसको अपने एक बर्तन में लूँगी, इसको निकालूँगी। शीशे के प्लेट में मैंने निकाला इसको वड़े को और इसके ऊपर मैं डालूँगी फेटा हुआ दही जो कि मैंने रेडी करके रखा था। आप ऐसे ही स्पून से फेंट लीजिए दही को, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये घर में बनाई हुई दही है, मैंने बाहर का दही नहीं लिया है। इसके बाद इसमें जाएगा काला नमक। स्वाद अनुसार आप लीजिएगा फ्रेंड्स, ज़्यादा कम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। फिर लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा तीखापन तो चटपटापन तो होना चाहिए इसलिए लाल मिर्च पाउडर। भुना जीरा पाउडर, ये भी मैंने बना के रखा था। मैं अक्सर अपने घर में भुना जीरा पाउडर पहले से बना कर रखती हूँ, जब भी ज़रूरत पड़ता है तो मैं निकाल कर अपना काम चला लेती हूँ। और ये चटनी है इमली की खट्टी मीठी जो कि मैंने बनाई है, इसका भी वीडियो मैं अपलोड कर दूँगी, आप लोग देख लेना। ये चटनी डाला इस पर और थोड़ा सा टमेटो सॉस डाला, लाल लाल दही के वाइट दही के ऊपर थोड़ा रेड स्पॉट्स अच्छा लगेगा और टेस्ट भी बढ़ जाता है, एनहांस हो जाता है, इसलिए मैंने डाला। ये देखिए माउथ वाटरिंग है एकदम दही वड़ा और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत खूबसूरत लग रहा है देखने में और लग रहा है जैसे कि अभी लपक कर इसको खा लूँ, बहुत ही टेस्टी लग रहा है। चलिए मैं आपको ये दही वड़े जो है काट कर भी दिखाती हूँ कि ये कैसा है अंदर से। ये देखिए गुब से घुस गया ये दही के अंदर और कितना सॉफ्ट है। आप देख सकते हैं कि दही वड़ा जो है बहुत ही स्पॉन्जी लग रहा है देखने में, आप फोटो में देख सकते हैं वीडियो में बहुत ही स्पॉन्जी लग रहा है। मैं आपको इसको देखिए हाथ से ऐसे करके दिखाती हूँ, देखिए कितना स्पॉन्जी है, ये बहुत ही स्पॉन्जी बनता है। दही वड़ा कभी भी आपका टाइट होगा ही नहीं, बहुत स्पॉन्जी बनेगा। ये देखिए कैसे टूट रहा है, जैसे लग रहा है केक है। फ्रेंड्स आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ये रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए मुझे, मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ में।